आज आपको एक प्रश्न पूछते हैं, बोलो सभी, गुस्सा और क्रोध दोनों एक है या अलग है? पहला किसको वोट देते हैं पूछते हैं, जो समझते हैं गुस्सा और क्रोध दोनों भी एक है वो हाथ उठा, गुस्सा और क्रोध दोनों एक समझते हैं वो हाथ उठाओ। अरे क्या है, ओके 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 ओके, देखेंगे देखेंगे, जो समझते हैं क्रोध अलग गुस्सा अलग हाथ उठा, उसको 20%, इसको 30%, 50%, बाकी 50% जंपिंग इधर से उधर उधर से उधर, जो हाथ उठाता नहीं है वो क्या है, जंपिंग पार्टी। यहाँ अच्छा है तो यहाँ जैसे पॉलिटिक्स में भी पार्टी चेंज करते, यहाँ भी पार्टी चेंज करते। भाई बहनों, क्रोध और गुस्सा एक नहीं, क्रोध और गुस्सा एक नहीं, क्रोध अलग है गुस्सा अलग है। सब ध्यान से समझो, सब लिखने में इतना जल्दी मत बनो ना, सुनो, क्रोध जो है ना उसका कंटिन्यूटी होता है, और गुस्सा जो होता है ना उसका लाइफ ज्यादा नहीं होता है। मेरे बात समझ, गुस्सा का लाइफ कितना होता है मालूम, पानी में जो बबल, पानी में क्या होता है वो बबल्स बोलते हैं ना, उसका लाइफ कितना होता है, जस्ट 1 second, 2 second रहता है, फिर वो बबल्स खत्म हो जाता है। उसको गुस्सा का डिग्री, गुस्सा का एज कहते हैं। और क्रोध जो होता है ना वो हार्बरिंग रिवेंज कहते हैं, मना वो लंबे समय तक चित्त पकड़ के रहते हैं, कईयों को वो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग जैसा वो ट्रैवल होता रहता है। पति पत्नी दोनों का रात में कुछ कोई बात के लिए झगड़ा हुआ, पति तो उसको भूल गए लेकिन पत्नी उसको अंदर रख दिया। सुबह चाय का टाइम आया तो पत्नी क्या करती है, पतिदेव के पास जा करके रोज भी ऐसे दे लीजिए बोलता था, लेकिन जो क्रोध का इफेक्ट ले लो, क्रोध का लेवल उतना तक बढ़ गया, उसमें ही कम होता है ऐसे नहीं समझो, उसमें ही समाप्त हो जाता है ऐसे नहीं समझो। एक क्रोध जो है ना खुद जलता है और उनको जलाता है। हम समझते हैं जीवन में काम कराने के लिए बहुत इजी टेक्निक है क्रोध, लेकिन वो क्रोध देखने में आसान लगता है लेकिन अंदर जलता है। मेडिकल साइंस बताते हैं किसको ज्यादा बीमारी आता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको ज्यादा बीमारी आता है, जो क्रोध का सहन करता है उसको ज्यादा बीमारी आता है। समझो एक कंपनी का बॉस है, उसको 10-20 एम्प्लॉय है, वो रोज एम्प्लॉय के ऊपर चिड़चिड़ा क्रोध करता है, तो बीमार कौन बनता है? किसके पास चॉइस है? एम्प्लॉय के पास चॉइस है, वो क्रोध करने वाला व्यक्ति का जो बात है वो अंदर लेना ना लेना उसको ऑप्शन है, चॉइस है। जो बोलता रहता है उसको देखते ही ट्रिगर हो जाता है, वो क्रोध आता रहता है, तो बीमार ज्यादा कौन पड़ता है, क्रोध करने वाला या क्रोध का सफरिंग करने वाला? किसको करने वाला? 20 लोग हैं, एक ने आकर के क्रोध किया तो 20 में से कई लोग उसको लेता नहीं। कई ऐसा होता है जब वो कॉफी में या कहा मिलता है तो ऐसा है आपको, अरे छोड़ यार, वो टेप रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली रोज बजता रहता है, वो टेप रिकॉर्डर बजता रहता है, उसने उसको लिया नहीं, सीरियसली लिया।
लेकिन जो क्रोध करता है ना वो पहला पहला क्या बन जाता है, विक्टिम, मना वो गुलाम बन जाता है। क्रोध का गुलाम बनना है, क्रोध का गुलाम बनना है। व्यक्ति कब क्रोधी बनते हैं, जब मन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देता है तो गुलाम बनता है। आपके आपके व्यवहार मेरे से ठीक है तो आपने थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे किया तो मेरा अंदर जलन, इसका मतलब मेरा माइंड का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया, दूसरों के हाथ में। इसलिए परमात्मा हमको एक बात सुनाता है, मन जीत जगत जीत। कौन सा जीत? मन जीत जगत जीत। जो मन का मालिक है वह विश्व का भी मालिक बन सकता है। जो मन का वश है, जो मन का गुलाम है, वो कभी भी जीवन में आनंद नहीं रह सकता है। इसलिए भगवान हमको गुलाम बनना नहीं देखना चाहता है, इसके बदले गुलाब बनना देखना चाहता है। गुलाब का फूल हमेशा सबको सुख देता है, खुशी देता है, दुख नहीं देता है।